पहली चीज, एक दो चीजें मैं क्लियर कर देता हूं कि जब भी आपको कोई समरी लेक्चर दिया जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप समरी लेक्चर से कॉन्सेप्ट बनाने चले दिए। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप ऑलरेडी लेक्चर्स कर रहे हो वहां से करिए, रिवाइज कीजिए। लेकिन हाँ, समरी लेक्चर उन बच्चों के लिए स्पेशली बहुत बेनिफिशियल है जो क्लास देख के बैठे हैं और होता है ना कि 2 हफ्ते बाद लग रहा है यार खुद से नोट्स नहीं पढ़े जा रहे, खुद से नोट्स नहीं देखा जा रहा या खुद से पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो बस उनके लिए है कि भैया आप कान में ईयरफोन लगाइए या एक साइड में चला दीजिए और नोट्स लेके बैठ जाइए। इस लेक्चर का अगर 100% या 200% अगर आपको अच्छा यूटिलाइजेशन करना है तो इस लेक्चर के लिए आपको सिंपल सा कुछ बेसिक टेक्निक्स फॉलो करने हैं। एक, नोट्स साथ में लेके बैठ जाइए, शॉर्ट नोट्स आपके पास, या इस नोट्स का पीडीएफ पहले प्रिंट आउट ले लीजिए या लिख के रख लीजिए और उसमें चीज़ें ऐड करते जाइए। कुछ चीज़ें आपको अपने नोट्स बना के बैठे होंगे तो उसमें ऐड कर लीजिए, या क्लास नोट्स लेके बैठे होंगे तो उसमें ऐड कर लीजिए, बट हाँ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऐसे ही कर सकते हैं। दूसरा, सर ये समरी लेक्चर बहुत बड़ा कर सकते थे, इसमें एग्जांपल्स करा दीजिए, ये करा दीजिए, फिर बेटा आप समरी लेक्चर का मीनिंग गलत समझ रहे हो। समरी लेक्चर, आप कभी किसी बुक को पढ़ते हो तो उसकी समरी में कोई एग्जांपल्स नहीं होते, उसकी समरी में मेजर पॉइंट्स होते हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, वैसे ये लेक्चर्स हैं। ऑब्वियस एग्जांपल्स अगर आपको करने तो पूरा क्लास पढ़िए, आप वहां जाके एग्जांपल्स करो। समरी लेक्चर का मेन मीनिंग ये है कि आप पूरे चैप्टर को 1 घंटे में, जो हमारा टारगेट है वो 1 घंटे के अंदर रिवाइज कराने का है, कि यार हम 1 घंटे के अंदर बच्चे को रिवाइज करा दे, सो दैट कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री के 12 चैप्टर हैं तो वो कभी भी किसी भी टाइम बैठे 2 दिन में 1 दिन में पूरा चैप्टर हमारे साथ साथ रिवाइज कर ले। लेकिन हाँ, ये रिवीजन उन्हीं लोगों के लिए अच्छा होगा जो क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। कोई पहली बार आ गया है इस क्लास में तो भैया आपके लिए हो सकता है कि इसको करते करते लगे कि अरे यार टीचर ने क्या ही कराया, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। मतलब बेनिफिशियल का सबसे बेस्ट है कि आप अपने आप से अगर रिवाइज करने में नहीं सक्सेसफुल हो रहे या टाइम लग रहा है तो आप हमारे साथ साथ करते जाइए। बस करना क्या है, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हो उसका PYQ साथ में कर लीजिएगा, या फिर क्लास के नोट्स में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं या क्लास में जो क्वेश्चंस कराए गए साथ साथ अटेम्प्ट कर लीजिएगा अगर आप रिवीजन को और ज्यादा इनहांस करना चाहते हैं तो। और एक और बात, इस रिवीजन लेक्चर को, इस समरी लेक्चर को एक बार नहीं, आपको जब तक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना आए तब तक बार बार देख सकते हैं। आप एग्जाम से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 1 दिन पहले, 4 दिन पहले, जब भी लगे कि नहीं मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है, आप बेस्ट तरीके से रिवीजन करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। आपको इन सारे समरी लेक्चर्स का ना, इन सारे समरी लेक्चर्स का बेटा फायदा तभी बहुत ज्यादा होगा। अब न्यूमेरिकल्स करने जाओ, अब PYQs करने जाओ, अब उसके ऊपर भीड़ो, क्लास के क्वेश्चंस देखो, DPPA क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, मतलब रिवीजन करो, क्योंकि अपना मकसद क्लियर है। मुझे इतना पता है कि जो बच्चा इस वीडियो को यहां तक देख रहा है इसका मतलब उसकी लाइफ में एक चीज तो पक्का है, डिटर्मिनेशन है, कर लेगा और करने की कोशिश करेगा जरूर, ठीक है ना। तो ट्राई करते हैं, कोशिश अच्छी करते हैं, जीतना और हारना कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कोशिश अगर शानदार होगी ना तो जीत भी शानदार होगी और उसको एंजॉय भी शानदार तरीके से करेंगे।